आप देख रहे हैं न्यूज हॉल इंडिया, मेरी अभिनीता के साथ आई देखते हैं जाके कुछ खास और बड़ी खबरें। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने गुरुवार को संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि 120 मैट्रिक टन गेहूँ के उत्पादन का अनुमान है, जिसको सरकार 21.44 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। 28 मार्च से इंदौर संभाग में गेहूं खरीदी शुरू होगी, जबकि 4 अप्रैल से भोपाल समेत प्रदेश के अन्य संभागों में गेहूं ऊर्जापन की शुरुआत होगी। वहीं मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि किसानों को आश्वस्त कर देते हैं कि उनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 16,000 केंद्रों पर पंजीयन की सुविधा शुरू की जा रही है। 19.81 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जो विगत वर्ष का 80% है। पंजीयन में कुल रकबा 42.24 लाख हेक्टेयर है, जो विगत वर्ष से 84% है। नवीन व्यवस्था में किसानों को फसल बेचने हेतु SMS की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, जब किसान स्वयं स्टॉल बुकिंग कर अपने पसंद के उपार्जन केंद्र का चयन और विक्रय दिनांक तक चयन कर सकेंगे। बुकिंग की व्यवस्था भी निम्न होगी। अगर कोई किसान कहीं भी अपना गेहूं बेच सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर पंजीयन कहीं कराया है तो दूसरे जगह भी बेचना चाहे तो उसका भी व्यवस्था की गई। हमारे आपके विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अन्य सब अधिकारीगण आज दिल्ली में 6 बजे माननीय CM साहब निकले, क्योंकि सरकार की मंशा है कि किसानों को ज़्यादा पैसे कैसे मिल सकते हैं। हम तो कहें हमारे यहाँ तो इतने भाव में दे रहे हैं, अगर किसानों को कहूँ 2400 के 2500 के भाव में चला जाता है, क्योंकि अभी जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे जो इस बार रेट बढ़ा है किसानों का, अभी 2300 तक अभी बिक गया है गेहूं। तो अभी क्या इंटरनेशनल यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ है उसके कारण भी उछाल है, तो क्यों ना मध्य प्रदेश इसका लाभ ले, क्योंकि मध्य प्रदेश का गेहूँ पूरे देश में ऐसे एक पूरा माननीय मंत्री महोदय पर चार्ट है, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह मध्य प्रदेश का सीहोर, बालवा, इधर का गेहूँ का इतना डिमांड है बहुत ज़्यादा। तो माननीय CM साहब इसलिए गए हैं वहाँ पे, माननीय हमारे रेल विभाग के मिनिस्टर से मिलेंगे, क्योंकि रैक उपलब्ध हो जाए और सभी एक्सपोर्टर्स जो है ना उनके साथ मीटिंग करके अधिकतम मध्य प्रदेश का गेहूँ अगर वहाँ चला जाता है तो मैंने कहा इससे अच्छा किसानों के लिए क्या हो सकता। मैं क्यों चाहूँगा कि हमको 2150 में दे, 2140 में दे, मैं चाहूँगा 2500 में जाए, 2600 में जाए, 2700 में जाए। तो जितना किसानों का अधिक महंगा गेहूँ जाएगा तो मुख्यमंत्री महोदय आज सुबह पूरे देश भर के जो एक्सपोर्टर हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उन सबको बुलाया। रेल विभाग में उनको थोड़ी दिक्कत एक बात की थी, आजकल एक नया नियम कर दिया कि पहले आओ पहले पाओ, जिन्होंने स्लॉट बुक करा लिए काहे के रैक के 50,000 रुपये लगता है एक उसका, तो जिनने करा लिए तो कई लोग इस प्रकार से करा के बैठे होंगे, तो एक्स्ट्रा कैसे इनको रैक मिल जाए और मध्य प्रदेश का गेहूँ कैसा अधिकतर चला जाए एक्सपोर्ट पर, उसके लिए हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। क्या है कि जो पंजीयन हुआ है एक्चुअली हमारी तैयारी है, पिछले बार हमारा हुआ था कोरोना के संकट के काल में, क्योंकि साहब का माल हम खरीदते हैं नहीं हम माली का काम करते मजाक रहेंगे, तो हमारी पैक सोसाइटियाँ पिछले साल ने 1,29,00,000 मैट्रिक टन खरीदा था जब कोरोना का भयानक संकट चल रहा था। पिछले साल 1,28,00,000 मैट्रिक टन खरीदा, तो एक्चुअली क्या हुआ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी लगातार किसानों को उत्प्रेरित करते रहे कि गेहूं के अलावा भी अन्य फसलों पर भी जाइए। तो मुझे लगता है कि इस बार जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट व्यवस्था से हुआ है, तो हमारी तैयारी 1,23,00,000 मैट्रिक टन के ऊपर है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हुआ जितने हेक्टेयर का, उस हेक्टेयर के अनुसार हम अंदाज माननीय मंत्री महोदय ने लगाया है कि 100,00,000 मैट्रिक टन आएगा। लेकिन ये भी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि किसान का एक दाना भी छोड़ा नहीं जाएगा, 1,50,00,000 मैट्रिक टन भी आता किसानों का वो भी पूरी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था से खरीदा जाएगा। सब लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि किसानों से गेहूं सफाई का जो 20 रुपया का बात कहा गया बिल्कुल गलत है। किसानों से अगर अच्छा गेहूं बेचता है तो 20 रुपया नहीं लिया जाएगा, ये साफ करके गेहूं आप बेचें, ये हम चाहते हैं। जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है ये नहीं किया जाएगा। कई बार क्या होता था, पिछले बार कई जगह व्यापारी लोग किसानों के नाम से रजिस्ट्रेशन करा लेते थे, तो व्यापारी लोग किसानों के नाम से रजिस्ट्रेशन कराने के कारण
जो मूल किसान था वो छूट जाता था। इस बार बहुत ट्रांसपेरेंट और बड़ा प्रूव्ड व्यवस्था की है, जो माननीय मंत्री महोदय ने बताया, 0% एरर के साथ 100% किसानों का पूरा गेहूं तुल जाए। ये गलत फहमी जो लोगों ने फैलाई थी कि हर किसान से 20 रुपये पर बोरा हम लेंगे, क्योंकि ये जो किसानों से गेहूं आ रहा है ये भी किसके पास जा रहा है, जो हमारे गरीब लोग हैं, माननीय मंत्री महोदय ने बताया PDF के वितरण में यही गेहूं जाने वाला है। तो हमारा धर्म बनता है, सरकार का धर्म बनता है कि शुद्ध गेहूं आए, ज़्यादा कचरा वाला गेहूं नहीं आए, तो इसका जो स्वच्छ आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम छलने लगा के लेते भी हैं। इसे किसान बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि थोड़ा स्वच्छ शुद्ध गेहूं आएगा, क्योंकि ये आपके पास ही जाने वाला है। जो मेरे पास हम ले रहे हैं ये गेहूं हम आपको 1 रुपये में पर किलो के हिसाब से देंगे, जो हम अभी 21 रुपये 15 पैसे के। नहीं, मेरा कहना ये है कि गेहूं अगर सही है उसका, अगर वो सफाई करके लाता है, अगर कहीं उसके पास लगता है कि गेहूं खराब है, कहीं पे उसके गेहूं खराब जैसे मार्केट में मिलता है, अगर शुद्ध गेहूं लाता है तो उसमें कोई सफाई करने की जरूरत नहीं। पहले लोगों ने यदि सफाई करके नहीं ला पाया छन्ना, हमारे यहाँ छन्ना भी लगा है, अगर वो चाहे तो हमारे यहाँ छन्ना करा के। इसका लिए वो जो कहा जा रहा था ना कि 20 रुपया उनसे काटा जाएगा, वो नहीं काटा जाएगा। वहाँ 20 रुपये गेहूँ का उपार्जन हेतु किसान पंजीयन कराने वाले ऑपरेटरों को उसी केंद्र पर उपार्जन करने हेतु नहीं लगाया जा सकेगा। ऑपरेटर की सेवाएं अन्य उपार्जन केंद्र पर ली जाएगी। उपार्जन में पारदर्शिता के उद्देश्य से सभी पंजीयन और नामों के मिस मेन वाले पंजीयन की जानकारी पब्लिक पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। इसका सबका मतलब ये है कि इस साल उपार्जन के लिए राज्य शासन ने सभी तरह की तैयारी कर ली है, किसी ढंग से कोई अनियमितता की संभावना नहीं है। जगह जगह पर खरीदी केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, सहकारी समिति के माध्यम से उपभोक्ता भंडार है, महिला स्वसहायता समूह है। और सबसे बड़ी आज इसलिए ये बात आप लोगों के बीच में आना पड़ा कि कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि किसानों का 20 रुपया सफाई में काटा जाएगा, तो अब किसानों से कोई 20 रुपया कटौती नहीं होगी। ये सबसे बड़ी मुद्दा है, किसानों, ये सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, अनुसूचित जाति जनजाति की सरकार है, और इनके हितों के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। इसलिए ये भ्रामक प्रचार से हमें दूर रहना चाहिए। फूड उपज की स्टॉल बुकिंग एक समय में ही करनी होगी, अधिक स्टॉल बुकिंग आंशिक विक्रय नहीं किया जा सकेगा। कृषकों को समर्थन मूल्य राशि का भुगतान उनके आधार लिंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है, ताकि पंजीयन के समय टंकन त्रुटि के कारण खाते में गलती होने से राशि अन्य के खाते में जाने की संभावना को समाप्त किया जा सके। किसानों को SMS के माध्यम से उनके आधार लिंक खाते की जानकारी भी दी जाएगी। किसान अपनी बैंक खाता में शाखा में जाकर खाते को आधार से लिंक कराना होगा। खसरा के उपार्जित नामों की प्रारंभिक जांच, लगभग 1,12,00,000 नामों की बड़ी भिन्नता पाई गई है। इस सभी पंजीयन के संबंध में गहन जांच हेतु कलेक्टर को निर्देशित किया गया है। पंजीयन सत्यापित कृषक द्वारा स्वयं के मोबाइल MP ऑनलाइन CSP ग्राम पंचायत लोक सेवा केंद्र इंटरनेट कैफे उपार्जन केंद्र से स्टॉल बुकिंग कर सकेंगे। स्टॉल बुकिंग हेतु कृषक के ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल पर OTP प्रेषित किया जाएगा, जिसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा। कृषक अपनी उपज विक्रय करने हेतु 2 पारी में से कोई 1 पारी 9 से 1 बजे या दूसरे 6 बजे तक स्टॉल
चुन सकता है, जहाँ भी बेचना चाहे स्लॉट कर देगा। उपार्जन का कार्य सोमवार से शुरू कर दिया जाएगा। कृषक द्वारा फसल विक्रय हेतु बुक स्टॉल की वैधता भी 3 कार्य दिवस होगी। कृषक द्वारा स्टॉल बुकिंग करने के उपरांत उपार्जन केंद्र का नाम, विक्रय योग्य मात्रा, विक्रय की दिनांक की जानकारी प्रिंट निकाला जा सकेगा। इस बाबत SMS से ऐसी सूचना दी जाएगी। संशोधन एवं नवीन मोबाइल नंबर दर्ज कराने हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से जिलों में आधार कैंप लगवा कर 5 लाख किसानों के आधार नंबर में अपग्रेड करने की कार्रवाई भी की गई है। इस तरह शासन किसानों की उपज का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन किसानों की आड़ में कतिपय तत्व द्वारा फर्जी पंजीयन से निपटने के लिए निम्न अनुसार व्यवस्था की गई है। किसान पंजीयन विक्रय भुगतान आधार नंबर से सत्यापित किया जाएगा। निम्न श्रेणी के से पंजीयन का सत्यापन राजस्व विभाग के अमले से, विगत वर्ष से 50% से अधिक रकबे का पंजीयन, सिकमी या बटाईदार, किसान के भू अभिलेख का आधार नंबर के नाम से भिन्नता, 4 हेक्टर से अधिक रकबे की किसानों की और आधार नंबर से उल्लेखित नाम खसरा अभिलेख की नाम मिसमैच होने पर गहन जांच के निर्देश कलेक्टर को दिए गए। से भी ज़्यादा रेट आ जा रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि लोग हमारे यहाँ कम गेहूं को उपार्जन हमारे यहाँ कम बेचेंगे, क्योंकि मार्केट में उनको अधिक रेट मिल रहा है। इसलिए गेहूं का आवक जो हमने टारगेट रखा है 130 लाख मैट्रिक टन, में समझता हूँ कि उससे कम होगा, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा रेट मिल रहा है। अभी ये भी हमने तय किया है कि आपके इंदौर उज्जैन संभाग के जितने जिला हैं, 28/3/2022 से वहाँ पे हम गेहूँ खरीदी का काम शुरू करेंगे। इसके अलावा नर्मदा पुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर, भोपाल, चंबल संभाग में 4 तारीख से गेहूँ उपार्जन का काम किया जाएगा। इसमें एक विसंगतियाँ ये आ रही थी कि इस बार हमने ये कहा था कि गेहूँ कम से कम साफ सुथरा बना के ही हमारे यहाँ बेचें। उसमें एक बात आई कि विभाग ये कह रहा है कि 20 रुपया किसानों को गेहूँ साफ कराने का पैसा काटा जाएगा। बायोमेट्रिक डिवाइडर की व्यवस्था की गई है। कृषक की उपज तौल होने पर किसान उपार्जन केंद्र प्रभारी से बायोमेट्रिक सत्यापन से ही देख जारी होने की ताकि बोगस खरीद की संभावना को समाप्त किया जा सके। विभाग द्वारा वर्तमान में गेहूं के बाजार भाव को दर्जकर रखते हुए 100 लाख मैट्रिक टन उपार्जन अनुमान अनुसार तैयारी की जा रही है। इस हेतु लगभग 4 लाख गठान बरदाने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में 3,17,000 गठान बरदाना उपलब्ध है, जिससे लगभग 68 लाख मैट्रिक टन की खरीदी की जा सकती है। बरदाने की बाकी व्यवस्था पर्याप्त रूप से की जा चुकी है, अगर बरदाना की किसी हालत से कमी नहीं होगी तब पंजीयन करा सकता है, उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं होगी। वास्तविक कृषकों का पंजीयन करने के लिए आधार नंबर आधारित बायोमेट्रिक OTP सत्यापन के आधार पर पंजीयन की व्यवस्था की गई है। कुल पंजीयन 41% बायोमेट्रिक सत्यापन पंजीयन हुआ है। आधार नंबर विहीन एवं वृद्ध शारीरिक रूप से अक्षम कृषक जिनके बायोमेट्रिक सत्यापन सफल नहीं हो पाए हैं, उनको भी नामनी, अगर वो पंजीयन नहीं करा पाता है तो अपना नामनी भेजकर पंजीयन की सुविधा उनको भी उपलब्ध कराई गई है। ऐसे 28,298 किसानों का पंजीयन कराया गया है। शुरू करें। हाँ सर।
खाद्य का विषय है। शुरू करें। मेरे साथ सहकारिता मंत्री आदरणीय भदौरिया जी हैं, हमारे खाद्य विभाग के प्रबंध संचालक आदरणीय सक्सेना जी हैं, और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे आदरणीय फ्रेंड मीडिया और तमाम आए हुए पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं अभी अभी होली का त्यौहार खत्म हुआ है, बसंत पंचमी भी 2-3 दिन बाद खत्म हुआ है, इस अवसर पर मैं सभी पत्रकार साथियों को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। समर्थन मूल्य पे अगले वर्ष 4663 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए थे। जिला के सभी मालिक गोदाम उपार्जन द्वारा अवस्था अनुसार जो कि 4663 केंद्रों का वो किया गया था, इस साल क्योंकि गेहूं का उपार्जन हम करते हैं, खरीदी का काम हमारे इस संस्था जो सहकारी समितियां जो हमारे आदरणीय भदौरिया जी का विभाग, उनके माध्यम से हम गेहूं का उपार्जन कराते हैं, और जब उपार्जन हो जाता है तो किसानों को सुनिश्चित उनका भुगतान किया जाता है। इस साल सहकारी समितियां व महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित 3479 केंद्रों के अतिरिक्त कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफो, एमपी ऑनलाइन, पंचायत में 16644 केंद्रों पर पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गरीब कल्याण विभाग, गरीब कल्याण विभाग इसलिए है कि हम प्रदेश में 4,99,00,000 लोगों को राशन वितरण करते हैं, यानी 90% से भी ज़्यादा लोग हमारे विभाग द्वारा आदरणीय भदौरिया जी के जो सहकारी समिति है, उपभोक्ता भंडार हैं, इनके माध्यम से राशन का वितरण किया जाता है। और इस बात पे हमें हार्दिक प्रसन्नता है कि आदरणीय मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन पे और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कोरोना काल में भी हम लोगों ने गरीबों तक राशन पहुंचाया है। तो प्रदेश के और सस्ते दर पे 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से राशन पहुंचा, अगर एक व्यक्ति को 5 किलो मिला, अगर 10 परिवार हैं, 10 लोग हैं, तो उन्हें 50 किलो राशन प्राप्त हुआ है। ये मध्य प्रदेश शासन की व्यवस्था रही है। अभी इस साल बम्फर गेहूं उत्पादन की संभावना है, उपार्जन होना है। हमने लक्ष्य रखा है कि प्रदेश में अगले साल 129 करोड़ जो अपन ने किया था, अनुमान ये है कि इस साल 130 करोड़ मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो सकता है। परंतु इस साल सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में गेहूं के रेट बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमारा जो रेट है, जो हम गेहूं खरीदने का निर्णय लिए हैं, 21 रुपया 40 पैसा प्रति क्विंटल,